अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे आज की वीडियो में हम कोवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों पहली अपडेट ये है कि सबके आपको बता दें कि इकतीस दिसंबर से दो जनवरी तक नए साल की छुट्टियों के दौरान कोवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चार सौ बारह फ्लाइटें जो हैं वो कोवैत आने वाली हैं जबकि चार सौ तेरह फ्लाइटें जो हैं वो कोवैत से रवाना होंगी यानी टोटल कोवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इकतीस दिसंबर से लेकर दो जनवरी तक आठ सौ पच्चीस फ्लाइटें जो हैं वो आएंगी और जाएंगी जबकि यहाँ पर बताया यह गया है कि तकरीबन इक्यावन हज़ार लोग जो है वो कोवैत से जाएंगे और चालीस हज़ार लोग कोवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे नए साल की छुट्टी के दौरान लोग कोत से जाएंगे भी और कोत लोग छुट्टियों के दौरान कोवैत में लोग एंट्री भी करेंगे इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कोवत एम की तरफ़ से अलग अलग इलाकों में टीमें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं ताकि नए साल के दौरान जो छुट्टी है इसका लोग गलत फ़ायदा ना उठाएं और एक जगह पर भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठा ना करें जो रूल्स रेगुलेशंस कोरोना एस जारी किए गए हैं उसकी लोग पाबंदी करें इस हवाले से जो टीमें हैं वो अलग अलग इलाकों में तैनात की गई हैं और ये टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं लगातार जो है वो चेकिंग कर रही हैं ताकि लोग जो है वो जो कोरोना एस ओ जारी किए गए उसकी तमाम लोग पांदी जरूर करें तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें अगर आप एक जगह पर भीड़ भाड़ा ज़्यादा इकट्ठा करते हैं या मास्क की पाबंदी नहीं करते हैं और आपको पुलिस देखती है तो फिर आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेगी तो जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए जा रहे हैं उसकी तमाम लोग पाबंदी ज़रूर करें इसके साथ ही अगली अपडेट यह कह कि आपको तो है कि कोवैत में इन दिनों हॉलीडे जो है वो चल रहा है और अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया यह गया है कि टाइमिंग क्या है वैक्सीन सेंटर की ओपन की तो कोवत वैक्सीनेशन सेंटर मिश्रप के इलाके में जो वैक्सीन सेंटर मौजूद है वहाँ पर दो जनवरी तक आठ यानी सुबह आठ बजे से शाम के पाँच बजे तक जो है वो आप जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं जबकि अगर आप शेख जाबिर अल अहमद अल सबा कोनवे पर आप जाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए तो आप जो है वो चार बजे शाम के चार बजे से और रात के दस बजे तक जो है वो जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं इसके अलावा अपडेट ये है कि कोविड पिछले 24 घंटे में 504 नए कोरोना वायरस के मरीज़ रिकॉर्ड पर आए हैं जबकि किसी की मौत नहीं हुई है और 90 लोग ठीक हुए हैं कोवैत में पिछले 24 घंटे में इक्कीस हज़ार दो सौ तिरपन लोगों कोरोना टेस्ट किया गया है कोवैत में इस वक्त जो एक्टिव केस हैं उनकी तादाद बढ़कर दो हज़ार नौ सौ सत्तासी हो चुकी है जबकि जो आई में केस है उनकी तादाद चार है तो ये सब तो आज की कोवैत की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर की गई तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको कोवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट तया तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह